नमस्कार किसान साथियों, मैं परविंदर नेहरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज किसान साथियों, मैं आपको बताऊंगा रेस्ड बेज पे जो अपन ने सरसों की बिजाई की है उसके बारे में, और प्लेन जो पहले अपन ट्रेडिशनल जिस मेथड से बिजाई करते आ रहे हैं उसके बारे में, और रेस्ड बेज में इस बार अपन ने दो तरीके इस्तेमाल में किए हैं। एक तो सरसों में पानी लगाया है बेड में जो अपनी खाली है उसके अंदर, और दूसरा बिना पानी की भी सरसों है अपने पास। तो अपन देखेंगे बिना पानी वाली सरसों का क्या रहता है, और पानी वाली में क्या है, और प्लेन वाली में क्या है। आज इस वीडियो में अपन ये लोग देखेंगे, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से जो अपनी सरसों की बिजाई हुई है उसकी। तो उसमें आप नीचे देखेंगे तो ये सरसों पहले अगेती सरसों है ये, तो इसमें जो अपन ने पानी लगा दिया तो उसके बाद में आप नमी देखो, इसमें ज़मीन में बहुत ज़्यादा नमी है, तो इसके कारण हमारे क्या होता है सरसों के अंदर तना गलन की समस्या ज़्यादा आती है मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण। एक तो ज़मीन पे ये पत्तों के कारण नीचे धूप नहीं लग पाती, हवा नहीं निकल पाती, तो ये मॉइस्चर यहाँ से निकलता नहीं ज़मीन से, तो उसके कारण तना गलन की समस्याएँ ज़्यादा आती है। आप इन पत्तों को भी देख रहे होंगे, उधर भी हैं आपकी साइड पत्ते। तो ये तो है ट्रेडिशनल पे, और ये अगेती बिजाई है सरसों की अपनी। सबसे पहले की जो बिजाई है वो ये है सरसों की। तो इसमें आप अराउंड आप देख सकते हैं खेत में फलियां इसमें मरने लग गई हैं, और फूल भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब बहुत काफ़ी कम फूल रहे हैं इसमें सरसों में। इसके बाद मैं आपको अब दिखाऊंगा जो अपनी पिकनिक पे है वो। जी साथियों, ये जो है ये रेड बेड पे सरसों है अपनी, ये इसमें पानी नहीं लगा अब तक। इस सरसों की आप हाइट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाइट है, और इसमें अब तक पानी नहीं लगा। उस सरसों जो आपको पहले मैंने दिखाई है उसके बाद की बिजाई ये है सेकंड नंबर पे, और उसके बाद में बिजाई हुई थी अपनी इस सरसों की। ये भी रेस्ट बेड पे है लेकिन इसमें अपन ने पानी दे दिया। तो ये अवस्था में आप जैसा इसमें देख रहे होंगे, इसमें फ्लावरिंग स्टेज पे है, ये फलियां कम है अभी, इसकी अपेक्षा इसमें फलियाँ ज़्यादा है, और इसकी अपेक्षा जो आपने पूर्व में वीडियो देखी है उसमें फलियाँ ज़्यादा है। तो इसमें आप नीचे देखेंगे पत्तों का साइज़ देखिए, आप इसमें पत्तों का साइज सेप कलर। अच्छा, इसमें एक और बता दूंगा आपको किसान साथियों को कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं हुआ है, कोई DAP यूरिया या अपना सल्फ़र, किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र ना इस सरसों में यूज़ हुआ है और ना इस सरसों में यूज़ हुआ है। इसमें तो पानी भी नहीं दिया तो कोई यूज़ करने का तरीका भी नहीं बचता है, ना ऊपर कोई स्प्रे वगैरह हुई है। तो फलियाँ इसमें आप देखेंगे अब मरने लग रही है अभी, फूल ये थोड़ी अभी फूल की अवस्था में, ये मिड में है, ये थोड़ी लेट है, और जो अपन ने पहले देखी है वो थोड़ी अगेती है। तो पत्ते आप देखिए, इसमें पत्ते का साइज़ देखिए, और ये नीचे के पत्ते हैं बिल्कुल, तो ये ठीक है, इनमें फंगस की दिक्कत नहीं है। जो पत्ते पके हैं वो रिवर्स प्रोसेस के थ्रू ही पके हैं अभी तक। तो आइए आपको मैं आगे दिखाता हूँ इसमें। अच्छा, साथ में किसान साथियों एक चीज़ और है, इसमें पानी लगा है बेड पर, इसमें आप देखेंगे ऊपर मॉइस्चर, ये सूखी मिट्टी आपको दिख रही होगी, थोड़ा जूम करना, ये सूखी मिट्टी आपको दिख रही होगी, इसको हटाते हैं तब देखना आप मॉइस्चर। ये देखो नमी, बहुत ज़बरदस्त नमी है, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो लड्डू बिल्कुल इसमें बन रहा है। अच्छा, वहीं अगर बात करें इस सरसों की जिसमें पानी नहीं लगा है, तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा देखना आप, ये दिखता है तो इसमें नमी है इसमें, लेकिन उतनी नमी नहीं है। ये नमी तो है इसमें लेकिन वो नहीं है, ये थोड़ी सी उसकी अपेक्षा कम है। ठीक है, तो इसमें हमने ये किया है एक्सपेरिमेंट के तौर पे, इस बार ये कर रहे हैं कि सरसों का, इसकी आप हाइट देख रहे हैं अच्छी खासी हाइट है, और फाल वगैरह भी ठीक लिख रहा है अब तो इसमें ना कुछ डाला ना पानी लगाया। तो इस बार इसको हमने यही ट्रायल लेना है कि ये बिना पानी के सरसों कैसी पकती है। तो आपको ये वीडियो हम इसके आगे जब हार्वेस्टिंग टाइम पे ये सरसों आएंगी तब भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा सरसों अपनी बढ़िया रही निकलने में, और इस पे अपने को क्या क्या खर्चा लगा, इसमें क्या क्या खर्चा लगा। फर्टिलाइज़र का तो कोई खर्चा दोनों में नहीं लगना, उसमें यूरिया डाली है लेकिन इनमें फर्टिलाइज़र का कोई खर्चा लगना नहीं। अच्छा, आपको आगे एक और बताऊँगा मैं कि अभी जैसे पानी लगा हुआ है तो आगे देखते हैं फंगस की समस्या उसमें अटैक होता है या नहीं होता है। अच्छा, एक किसान साथियों एक समस्या आई है इस बार हमारे इस साइड, मरगोजे की समस्या। मरगोजा ऐसा प्लांट है जो परजीवी पौधा है, दूसरे पौधे की जड़ से ही वो अपना भोजन लेता है। तो वो सरसों में जो हमारी फ्लैट जो प्लेन ट्रेडिशनल मेथड में सरसों है उसके अंदर उसकी शिकायत है,
रेज्ड बेड में उसकी शिकायत अब तक देखने को नहीं मिली, और अगर आगे आती है तो मैं आपको किसान साथियों बताऊंगा, और नहीं आती है तब भी मैं आपको आगे के पार्ट में बताता रहूंगा कि इसके अंदर क्या रहा है। ये दोनों सरसों आप देख सकते हैं, मैं आपको खेत से बाहर आके अभी इनकी हाइट वगैरह दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा आएगा। आप इधर खेत से बाहर आके देखेंगे तब आप देखना इसमें फ़र्क है। ये खेत थोड़ा, मैं जो खेत में खड़ा हूँ ये खेत नीचा है हाइट के मुकाबले, वो खेत थोड़ा ऊंचाई पर है, तो इसकी हाइट और उसकी हाइट लगभग सिमिलर है, जिसमें इसमें पानी नहीं लगा हुआ, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ पानी लगा के बिजाई की है बेड के ऊपर, कुछ नहीं किया इस सरसों में, कुछ भी नहीं। ये सरसों आपके सामने हैं, आप देखें इसको क्या रहता है इसका, वो आपको हम अपडेट करते रहेंगे वीडियो में। अब जो सरसों आप देख रहे हैं उसमें पानी लगा हुआ है, वो पछेती बिजाई है, और यही है। अब आपको मैं दिखाऊंगा जो प्लेन में अपने ज़मीन में जो सरसों है उसमें अंदर मरगोजे की जो दिक्कत है, मरगोजे जो पौधा है उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, तो चलिए वो देखते हैं। ये किसान साथियों जो ट्रेडिशनल में मैं मरगोजा की समस्या बता रहा था वो ये है, ये रूट के अपने ये जो सरसों का पौधा है इसकी जड़ और इसकी पौधे की जड़ कनेक्टेड होती है, ये परजीवी पौधा है, सरसों से ये लेता है सारा भोजन सरसों का, और ये वजन को सरसों की फड़ी में जो वजन है उसको घटा देता है। अब ये देख रहे होंगे ये रहा, ये छोटा है, इसके बाद में आगे ये रहा, ये रहा, ये वाला अपने समस्या राइज्ड बेड में नहीं है, आप देखोगे आगे उस पौधे में फिर छोटा सा है, तो ये अभी निकलने भी लग रहा है, तो ये समस्या राइज्ड बेड में नहीं है, ये अब तक नहीं है दिक्कत। अगर भविष्य में कोई आती है या नहीं आती है तो इसके बारे में आपको अगली वीडियो में अपडेट कर दूंगा, और आगे फसल के बारे में, फंगस के बारे में और उत्पादन क्या रहता है उसके बारे में मैं आपको आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।